प्रदोष व्रत की पूजा विधि। मित्रों, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि हर माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है और इसकी पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का अर्थ है सूर्य अस्त के बाद रात्रि का प्रथम पहर, जिसे सायंकाल भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में हर नकारात्मकता समाप्त होती है और सफलता मिलती है। साथ ही व्यक्ति को मन की शांति भी प्राप्त होती है और भगवान के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजन विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शिव जी का स्मरण करके व्रत का संकल्प लेकर के अपने दिन की शुरुआत करें। इसके बाद गंगा जल में स्नान करें, सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ दें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। दीप प्रज्वलित करके भोलेनाथ का गंगा जल और कुसा से अभिषेक करें। पान से भी आप जल या दूध चढ़ा सकते हैं। इसके बाद उनके चरणों में पुष्प, फल, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, रोली, तुलसी दल, बिलपत्र और पंचामृत अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद ही महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप भी कर सकते हैं। आरती के साथ पूजा का समापन करें। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सूर्यास्त के समय को शुभ माना जाता है, इसलिए सायं के समय मंदिर में दीपक जलाएं। साथ ही व्रत कथा सुने और भगवान शिव, देवी पार्वती समेत नंदी, कार्तिक जी, गणेश जी और सर्पदेव की पूजा करें। वहीं भोलेनाथ को दोबारा पूजा सामग्री चढ़ाएं और आरती करें। विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद फलाहार का सेवन करें, फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। इस तरह से अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत विधि आपको कैसे लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह से जानकारी लेकर के आता रहूं। हर हर महादेव।